हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जिन बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है उन्हें हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और जर्नल ऐसी ही एक बुक है जिसमें ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंगली डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। इनफैक्ट बेटा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि साइज ऑफ बिजनेस क्या है। अगर साइज ऑफ बिजनेस छोटा है तो सभी के सभी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में ही रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन अगर बिजनेस का साइज लार्ज है, बड़ा साइज है, तो ऐसे में हम जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट्स में, जिन्हें हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। और ये सब्सिडरी बुक्स हैं कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक जिसे हम रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं, और जर्नल प्रॉपर। इन सभी बुक्स में इनके नेम के अकॉर्डिंग ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कैश बुक, कैश बुक में सभी कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। परचेज बुक, इसमें क्रेडिट गुड्स परचेज को रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज रिटर्न बुक, इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमने परचेज किया हुआ सामान किसी वजह से रिटर्न कर दिया सप्लायर्स को। इसी तरीके से सेल्स बुक, सेल्स बुक में क्रेडिट गुड्स सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। सेल्स रिटर्न बुक, जब हम कोई सामान बेचते हैं और वो कस्टमर किसी वजह से हमें वापस कर देते हैं तो उसे हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और एक है बेटा जर्नल प्रॉपर, जिस ट्रांजैक्शन को इन पांचों बुक्स में, यानी कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक में कोई प्लेस नहीं मिलता, उन्हें हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर किसी बिजनेसमैन ने एसेट उधार परचेज कर ली, क्रेडिट पे परचेज कर ली, तो उसे ऊपर वाली पांचों बुक्स में से कहीं पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल बेटा आज हमने कॉन्सेंट्रेट करना है जर्नल पे। तो पहले हम जर्नल के फीचर्स की बात करते हैं। जर्नल के फीचर्स में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन इट। क्योंकि ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को इसी में रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड, इसमें ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है, मीन्स डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। डेट वाइज रिकॉर्ड करने के लिए बेटा पहले तो आप ईयर का ध्यान रखेंगे। ईयर अगर 2019 और 20 है तो नेचुरली पहले 19 आएगा, फिर 20 आएगा। इसके बाद मंथ्स का ध्यान रखते हैं, जैसे अप्रैल है, मई है, तो पहले अप्रैल की रिकॉर्डिंग होगी। और फिर मंथ में भी आपको डेट का ध्यान रखना है। अगर 1 अप्रैल और 3 अप्रैल आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं दो डेट्स की, तो आपको पहले 1 अप्रैल की रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद 3 अप्रैल की रिकॉर्ड करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ईच डे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल ऑन द सेम डे। हर दिन ट्रांजैक्शंस को साथ के साथ रिकॉर्ड करते रहते हैं ताकि वो सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम आए ही ना। और जिस फॉर्म में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बेटा, उसे कहते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कंप्लीट डिटेल बताती है एंट्री की, ठीक है, कि कोई एस्पेक्ट जो है वो डेबिट हो रहा है, कोई क्रेडिट हो रहा है। आपको पता है कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, या अगर एक से ज़्यादा भी हो रहे हैं डेबिट और क्रेडिट तो टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट एक दूसरे के इक्वल होता है। तो जर्नल में ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स में डिवाइड करके रिकॉर्ड किया जाता है। इसी के साथ हर एंट्री के साथ एक एक्सप्लेनेशन होती है, जहाँ एंट्री ओवर हो जाती है उसी के बाद एक एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है ब्रैकेट में, जिससे ये पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट को क्यों डेबिट और क्रेडिट किया, जिसे हम नरेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं जर्नल के फॉर्मेट की। जर्नल के फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम बनता है डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट जिसको हमने रुपी का साथ में सिंबल दिया हुआ है न्यू वाला, क्रेडिट अमाउंट रुपी का सिंबल है सेम। ये जो रेड से मार्क है बेटा, ये कॉलम के नंबरिंग है। ये नंबरिंग आपको लिखने की नीड नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है। 1 2 3 4 5 तो फर्स्ट कॉलम डेट का,
आप देख सकते हैं कि डेट के कॉलम में सबसे पहले ईयर लिखा, देन मंथ और उसके बाद डेट। इसमें मंथ को दोबारा से मेंशन करने की नीड नहीं है जब तक उसमें चेंज ना हो। इसी तरीके से ईयर को भी दोबारा मेंशन करने की नीड नहीं है जब तक उसमें चेंज ना हो। आप देख सकते हो कि अप्रैल 1 को मैंने एक एंट्री लिखी हुई है, उसके बाद फिर अप्रैल 2 है तो अप्रैल वर्ड नहीं लिखा, ओनली 2 लिखा है। ठीक है, तो पहला कॉलम हो गया डेट का, जिसमें सीक्वेंस मेंटेन करनी है स्ट्रिक्टली डेट की। इसके बाद बेटा दूसरा कॉलम आप देखो पर्टिकुलर्स का है। पर्टिकुलर्स में आपको यहाँ बताया हुआ है कि हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो जो डेबिट है उसे पहले लिखते हैं, जैसे ये लिखा कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट को इस कॉलम के एंड में लिखते हैं, बिल्कुल पर्टिकुलर्स वाले कॉलम के ही एंड में। उसके बाद जो क्रेडिट होता है, जैसे इसमें अब कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट वाले को हमने 2 करके लिखना होता है, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए नेक्स्ट लाइन में 2-3 वर्ड्स का ऊपर से आप मार्जिन छोड़ सकते हैं। तो 2 कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब ये हुआ कि कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स के कॉलम में यही डिटेल लिखी हुई है कि डेबिट को पहले लिखना है और जो क्रेडिट वाला है उसको आपने सेकेंड लाइन में लिखना है थोड़े से मार्जिन के बाद 2 से स्टार्ट करके। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ बताई हुई है नरेशन के बारे में, कि जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है एंट्री की उसे हम नरेशन कहते हैं। और ये नरेशन आप देखिए इसके नीचे ब्रैकेट में लिखी हुई है। तीसरा कॉलम हमारा बनता है लेजर फोलियो का। लेजर फोलियो में पेज नंबर लिखा जाता है। इनफैक्ट बेटा जैसे अब ये कैश है, कैश को हम लेजर में पोस्ट करेंगे तो लेजर के जिस पेज पर पोस्ट करेंगे उसको हम यहाँ लेजर फोलियो के कॉलम में उसका पेज नंबर लिख देंगे। लाइकवाइज कैपिटल अकाउंट लेजर के जिस पेज पर बना होगा वो पेज नंबर यहाँ पर लिख देंगे, तो वो लेजर फोलियो होता है। यानी कि लेजर फोलियो का मतलब हो गया कि पेज नंबर लिखते हैं हम लेजर का। इसके बाद लास्ट में 2 कॉलम्स और हैं, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। आप ये देखिए फॉर्मेट में, डेबिट में आपको डेबिट वाला अमाउंट मिलेगा, जैसे कैश डेबिट हो रहा है तो उसी के सामने डेबिट वाला अमाउंट लिख दिया। कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो उसी के सामने क्रेडिट वाला अमाउंट लिख दिया। तो डेबिट कॉलम में डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट वाला अमाउंट। आई होप सो बेटा कि यह आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।